26 जनवरी को देश में पूरे हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बेहद खास होता है। देश भर में इस दिन जगह जगह झंडा फहराकर जश्न गणतंत्र मनाया जाता है। राष्ट्र के इस खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हर साल राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राष्ट्रपथ पर विशाल परेड और झांकियां निकाली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, किसी और दिन इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इस साल भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज से 73 साल पहले साल 1950 में 26 जनवरी की सुबह 10:18 पर संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन संविधान लागू करने का एक और बड़ा कारण ये भी था कि साल 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूरी तरह से आजादी देने का प्रस्ताव पारित किया था, स्वतंत्रता दिवस का किया था ऐलान। साल 1929 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अंग्रेजी सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे, और इसी दिन पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था। बता दें कि आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद जब आज़ादी मिली तो बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। 308 सदस्यों ने संविधान को दी थी मान्यता। हर देश में एक नियमावली और कानून होता है, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस नियमावली को संविधान के नाम से मुखातिब किया गया है। भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। उन्होंने संविधान का जो मसौदा तैयार किया था उसमें कई तरह के सुधार किए गए और बाद में एक कमेटी तैयार की गई जिसमें संविधान को लेकर चर्चा हुई। कमेटी में 308 सदस्य थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 के संविधान में लिखे गए कानून को मंजूरी देते हुए दो कॉपियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद से ही 26 जनवरी को देश में इस संविधान को लागू किया गया। एक सप्ताह तक मनाया जाता है ये राष्ट्रीय पर्व। आमतौर पर लोग मानते हैं कि गणतंत्र दिवस सिर्फ 26 जनवरी को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता है और इसकी शुरुआत 24 जनवरी से ही हो जाती है। कार्यक्रम के पहले दिन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हालांकि इस साल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी को ही रिहर्सल के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति देश के नाम अपना संबोधन देते हैं और फिर अगले दिन पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 26 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट से होता है।